नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल लीना किचन रेसिपी ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो श्राद्ध का भोजन कैसा हो, श्राद्ध के भोजन में क्या नहीं पकाएं, श्राद्ध का भोजन अतिरिक्त शुद्धता चाहता है, तो आइए जानते हैं कि श्राद्ध के भोजन में बरती जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी हैं। खीर और पूरी अनिवार्य है। जौ, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ है। ज़्यादा पकवान पितरों की पसंद के होने चाहिए और गंगाजल, दूध, शहद, कुश और तिल सबसे ज़्यादा जरूरी है। तिल ज़्यादा होने से उसका फल अक्षय होता है। तिल पिसाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। श्राद्ध के भोजन में हमें क्या क्या नहीं पकाना चाहिए, तो चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, प्याज और लहसुन, इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। बड़ी सरसों, काली सरसों की पत्ती और बासी खराब अन्न, फल और मेवे, ये सब बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। अब हम जिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनको कैसा आसन देना चाहिए, ब्राह्मणों का आसन कैसा होना चाहिए, तो रेशमी, ऊनी, लकड़ी और कुश जैसे आसन पर ही बैठाना चाहिए। लोहे के आसन पर ब्राह्मणों को कभी भी नहीं बैठाना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। श्राद्ध के भोजन में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा शुद्धता बरतनी चाहिए और जहाँ तक हो सके पितरों को बिना लहसुन बिना प्याज का ही भोजन कराना चाहिए। और गाय को सबसे ज़्यादा गाय की सेवा करनी चाहिए श्राद्ध में। गाय, कौवे की और कुत्ते की, ये तीन जनों की जरूर सेवा करनी चाहिए। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक